माननीय कर्नल चौबे जी जो कि जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ के महासचिव कर्नल चौबे जी, आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। एक बड़ा खुलासा हुआ है, आप सब ने देखा होगा किस तरह से आदित्यनाथ सरकार ने अपने मंत्रियों को लूट की खुली छूट दे रखी है। इनके एक मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, एक फर्जी मोबाइल बेचने की कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी के प्रचार के लिए देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो लगाते हैं। कई महीनों से अपना यह घोरक धंधा और फर्जीवाड़ा चला रहे हैं और वो मोबाइल कौन सा बेच रहे हैं? स्वदेशी मोबाइल। एक फर्जी कंपनी बना के फर्जी मोबाइल बेचने की बात कह के बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी करने का काम आदित्यनाथ सरकार के मंत्री कर रहे हैं, और सिर्फ कोई फर्जी कंपनी बनाने का नहीं, उस कंपनी के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगा के प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं साहब स्वदेशी मोबाइल है, इसको ले लीजिए आप। बाद में पता चला फर्जी मोबाइल, फर्जी कंपनी। इतने बड़े पैमाने पे लूट और धोखाधड़ी एक मंत्री कर रहा है खुलेआम। तो मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि उसके खिलाफ FIR तो हो गई, लेकिन इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति अभी भी आपके सरकार में मंत्री कैसे है? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? क्या मिली भगत है? कैसे आपकी फोटो का इस्तेमाल उन्होंने किया? और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे संकेत जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त करके ये धोखाधड़ी खुलेआम उनका मंत्री कर रहा था।